हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नाइट पेन इन फ्रोजन शोल्डर। रात में फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट को एक तो पेन बहुत होता है और उसको सोने में बहुत तकलीफ आती है। आज इस वीडियो में मैं एक स्पेशल टिप इसी के बारे में दूंगा कि कैसे रात में फ्रोजन शोल्डर का पेन कम किया जा सकता है, और ये 100% इफेक्टिव टिप है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए देखते हैं कि रात को फ्रोजन शोल्डर का पेन क्यों ज़्यादा बढ़ जाता है और ये 90% फ्रोजन शोल्डर वाले इस चीज़ से सफ़र करते हैं कि उनको रात को ही पेन ज़्यादा होता है और उनकी नींद ख़राब होती है। तो रीज़न नंबर वन है कि जब हम सुबह होते हैं और सारा दिन काम कर रहे होते हैं तो हमारा शोल्डर एक वर्टिकल प्लेन में रहता है। वर्टिकल प्लेन होता है, जैसे ये हमारा शोल्डर का ग्लेनोइड कैविटी है और ये शोल्डर का हेड है, तो वर्टिकल प्लेन होता है इस तरह से। सारा दिन शोल्डर वर्टिकली रहता है, सीधा रहता है, पर इसमें हमारा जो मसल यूज़ है वो सारे मसल्स उसको पकड़ के रखते हैं, इसलिए पेन दिन भर में थोड़ा कम फील होता है। और जब रात आती है तो जब हम सीधे सोते हैं या साइड पे भी सोते हैं तो हम होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। मींस जो वर्टिकल प्लेन ऐसे था, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया इस तरह से। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होने की वजह से सारा प्रेशर पीछे वाले मसल्स पर ज़्यादा पड़ता है, इसकी वजह से कैप्सूल और ज़्यादा टाइट फील हो जाता है और फ्रोजन शोल्डर का पेन रात को इस वजह से बढ़ता है। रीज़न नंबर टू है रात को पेन होने का कि दिन भर में जो हम एक्टिविटी करते हैं अपने जाम कंधे से या फ्रोजन शोल्डर से, जो हम दिन भर एक्टिविटी करते हैं उसमें जितने भी कैप्सूल और जितने भी मसल्स हैं वो स्टिफ होते हैं, और जब फ्रिक्शन होती है तो उनमें सोजिश होती है, इन्फ्लामेशन होती है, जिसकी वजह से रात को रेस्ट में पेन होता है। दिन भर मूवमेंट में कुछ मैकेनोरिसेप्टर्स हेल्प करते हैं जिसकी वजह से पेन हमें कम फील होता है, और रात को जब ये मैकेनोरिसेप्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं और जब बॉडी को पता लगता है कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई है और वो और ज़्यादा पेन हो जाती है रात को। तो आइए देखते हैं इस रात वाली पेन को किस तरह से 100% ठीक किया जा सकता है। फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट का दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, पर रात काटना और रात को सोना उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आइस पैक। आपको जान के हैरानी होगी कि 100% इसके रिजल्ट्स हैं। फ्रोजन शोल्डर किसी भी स्टेज का हो, अगर आपको नाइट पेन है और रात को सोने में दर्द होता है तो फिर आपको आइस पैक ही बचा सकता है। आइस पैक अप्लाई कैसे करना है वो अब हम देखते हैं। फ्रोजन शोल्डर में जब इन्फ्लामेशन होती है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें हीट लेंगे और उससे ठीक हो जाएंगे, पर हीट उनकी पेन और इंक्रीज़ कर देती है। इसलिए आइस पैक यूज़ करते ही 10 मिनट इसको यूज़ करेंगे और इसके रिजल्ट्स आप खुद देखेंगे। इसमें आइस पैक के लिए आपको इसे फ्रीज़र में रख लेना है। ऑब्वियसली उसको लगाने से पहले इसको घंटे में ये फ्रीज़ हो जाता है। उसके बाद ये पाउच होता है, इस पाउच में डालने का पर्पज़ ये होता है कि डायरेक्टली जब हम अप्लाई करेंगे तो कई बार कोल्ड ज़्यादा लगता है, इसलिए कोल्ड बर्न होने का खतरा रहता है। तो जो पाउच होता है वो हमारे जो कोल्ड है, कोल्ड पैक है, उसको आइस पैक को या कोल्ड पैक को काफ़ी फर्म कोल्डनेस देता है, जिसकी हेल्प से उसकी इन्फ्लामेशन कम हो सकती है पेशेंट की। तो इस कोल्ड पैक को जब हम लगाएंगे तो हर 2 मिनट के बाद आपको उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज ज़रूर करनी है। एक ही जगह पे नहीं पड़े रहने देना, उसकी पोजीशन चेंज करते रहिए। रात को अगर सोने से पहले आप ये आइस पैक यूज़ करेंगे तो फ्रोजन शोल्डर में आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी और आपका पेन और इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगा। तो किसी भी स्टेज के फ्रोजन शोल्डर में अगर रात को पेन हो रहा है शोल्डर में तो ये आइस पैक ज़रूर अप्लाई करें, और इसके रिजल्ट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपका फीडबैक ले सकें। पर इस टिप का सक्सेस तब है जब आप उस आइस पैक को रेगुलरली हर 2 मिनट के बाद शोल्डर पर मूव करते रहें ताकि पूरे शोल्डर पर उसकी कोल्डनेस पहुंचे और आपकी पेन कम हो सके। तो ये हो गई फ्रोजन शोल्डर में नाइट पेन कम करने की बात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे फ्रोजन शोल्डर के बाकी वीडियोज़ मिस किए हैं तो उसमें मैंने आपको जैसे कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, क्या स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं फ्रोजन शोल्डर में जिससे पेन कम किया जा सकता है, ऐसे सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं। आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और उसे देखिए ताकि आप फ्रोजन शोल्डर के बारे में अच्छे से जान सकें और 60-70% अपना फ्रोजन शोल्डर खुद ही ठीक कर सकें। इसी तरह के हेल्दी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।